स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। यहाँ पर BTUP से एक ऑफिशियली अपडेट निकल के आ रही है, ऑनलाइन होंगी परीक्षाएं पॉलिटेक्निक की। आज के न्यूज़पेपर में दे रखा है एग्जाम, अब तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन ही होगा। और आज हम लोग ट्यूटर कैंपेन चला रहे हैं तो नंबर हम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में छा रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ट्विटर को जरूर ट्वीट करो और पूरी अपडेट देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर ले। और आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, सारी अपडेट है ट्विटर से रिलेटेड टेलीग्राम पर आपको दी जा रही है। देखिए भाई, हम लोग 30वें नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है, 30वें नंबर पर हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं BTUP एग्जाम ऑनलाइन, 30वें नंबर पर हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं। तो सभी लोग जल्दी से जाओ, अभी जिसने रीट्वीट नहीं किया जल्दी से रीट्वीट कर दो। महासंग्राम महासंग्राम, छात्र एकता जिंदाबाद, हैज BTUP एग्जाम ऑनलाइन हो, हैज BTUP एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, ये ट्रेंड आपको करना है। मैंने ऑलरेडी कर दिया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पर मैंने डाल रखा ऑलरेडी। अब देखिए, इस बीच एक इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है, खबर यहां देखो न्यूज पेपर में दे रखा है आज के न्यूज पेपर में, ऑनलाइन होंगी पॉलिटेक्निक परीक्षाएं, यहां पर ओपनली दे दिया है। अब यहां पर देखिए, कोरोना संक्रमण का खतरा देखते हुए पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन कराने का फैसला लिया गया है। अब देखिए, इन्होंने फैसला ले लिया लेकिन ऑफिशियल नोटिस नहीं लिखा रहा है। ऑफिशियल नोटिस कल परसों तक आ जाएगा, तो वेट करो, सिर्फ 2 दिन का आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ऑनलाइन की तैयारी भी यहां पर इन्होंने कर दी है, फैसला ले लिया गया है। प्राथमिक शिक्षा परिषद के सचिव सुनील कुमार सोनकर के अनुसार 20 जनवरी से एग्जाम जो होने वाले हैं वो ऑफलाइन कराने का निर्णय लिया गया था। देखिए, लिया गया था, ठीक है। इस बीच तैयारी पूरी हो गई थी, इस बीच कोरोना का संक्रमण देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। ये ओपनली इन्होंने बोल दिया है, ऑनलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। ऑफिशियल नोटिस का वेट करो, 1 या 2 दिन में, कल या परसों या शाम तक नोटिस आ जाएगा। और जैसे ही आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। विद्यार्थी मोबाइल बट टैबलेट के माध्यम से परीक्षा दे सकेंगे, ओपनली इन्होंने बोल दिया है कि निर्णय ले लिया गया है, ऑफिशियल नोटिस का इंतजार है, बहुत ही जल्द कल या परसों में ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। आज के पेपर में आप देख सकते हो नव भारत टाइम की ये खबर है, 15 जनवरी, आज ही की लेटेस्ट अपडेट, नकलऊ में आप जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, इनको मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें। ऑनलाइन होने का निर्णय आने में बस कल का वेट कीजिए, आ जाएगा, पेपर वालों ने आज ही छाप दिया है। स्पोर्ट कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाएं भी टल चुकी हैं, वीडियो को पूरा देखो तभी इंपॉर्टेंट, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप से ये सारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से पढ़ लेना, ऐसे मैं बताऊंगा बेटा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है, जब सैनिक स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है, तो भाई BTUP एग्जाम क्यों यहाँ पर करा रहे हैं लोग। मेरा पूरा मानना है एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं तो पोस्टपोन्ड होगा, जैसा कि पेपर में दे रखा है, ठीक है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जो भी होगा हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, नकलऊ के जो LU कॉलेज हॉस्टल में यहाँ पर देखिए 31 जनवरी तक यहाँ पर परीक्षाएं स्थगित होने के बाद अब बड़ी संख्या में छात्रों के हॉस्टल खाली करा दिए गए हैं। इस बीच कोरोना के चपेट में आए 30 विद्यार्थियों को यहाँ पर देख सकते हो, लाल बहादुर शास्त्री और महमूद छात्रवाद के अलग अलग कमरों में क्वारंटीन किया गया है, हालांकि अलग अलग कमरों में किया गया है। जबकि यहाँ पर देखिए 20 संक्रमित छात्र उनके अभिभावक घर ले चले गए थे। LU के न्यू और ओल्ड कैंपस के 17 छात्रावासों में करीब 2100, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ऊपर लिख दिया है 2100 छात्राएं विद्यार्थी रहते थे। LU से अनुरोध है कि विद्यार्थियों की जांच करवाई गई थी जिसमें 50 से अधिक छात्र छात्राएं संक्रमित मिले। इसके बाद कई विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चले गए, अब हॉस्टल में संक्रमित और विदेशी विद्यार्थी ही बचे हैं, ठीक है। LU के चीफ यहां पर देख सकते हो पांडे ने बताया, वीडियो को पूरा जरूर देखना प्लीज, आपसे पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं पूरा वीडियो देखना। लाल बहादुर शास्त्री में 20, यहाँ पर देख सकते हो महमूदाबाद में करीब यहाँ पर 5 और हबील में 4 विद्यार्थी यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो अलग अलग कमरों में रखा गया है और सभी छात्र छात्राओं के कमरों में ही खाना दवा सबको दी जा रही है, मुहैया कराया जा रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो
मतलब इन चीजों से तो यही निकल रहा है कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम, अब तो मैं कह सकता हूं एग्जाम आपका 100% ऑनलाइन ही होगा। ऑफिशियल नोटिस का वेट करो, बस कल या परसों में ऑफिशियल नोटिस आएगा, जो भी डिसीजन होगा बोर्ड का उसके बाद हम देखेंगे, जो भी होगा। फिलहाल आप लोग तैयारी को मत छोड़ना, अपनी तैयारी करते रहो, जो भी डिसीजन होगा हम आपके साथ खड़े हैं। और हमने ट्विटर कैंपेन भी चलाया है, तो आप लोग तैयारी करते रहो और हमारे ट्यूटर कैंपेन में जरूर आप लोग पार्टिसिपेट करो। हालांकि मैंने यहाँ पर 3 छात्रावास के प्रोटोकॉल मुख यहाँ पर रखी गई है नजर, क्वारंटीन विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब आप लोग देखिए, हम लोग 30वें नंबर पर ट्रेन कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है ट्वीट करो फटाफट, हम लोग नंबर 1 पे अगर रिट्वीट कर देते हैं तो हमारा बीटीबी बोर्ड कल ही फैसला ले लेगा। हालांकि न्यूज़पेपर में आ गया है कि ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया गया है, न्यूज़पेपर में आ चुका है, अब बहुत ही जल्द इसका निर्णय आने वाला है, टेंशन ना लो। जैसे ऑफिशियल लेटर आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। यहाँ पर देखिए आज के पेपर में ये भी दे रखा है, पॉलिटेक्निक 20 से परीक्षा छात्र पूछ रहे होगी या नहीं, सता रहा कोरोना का डर, यहाँ पर देख सकते हो नकलो विषम नकलो से खबर प्रकाशित की गई है, यहाँ पर आप बिल्कुल लाइव ऑफिशियली देख सकते हो। पॉलिटेक्निक की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू होना है, लेकिन अभी छात्रों का ना तो एडमिट कार्ड मिला है ना ही सेंट्रल लिस्ट जारी की गई है। ऐसे में छात्राओं के प्राथमिक शिक्षा परिषद पूछ रहे हैं बच्चे की परीक्षा होगी या नहीं होगी, या फिर आपका कोई देखिए ना तो एडमिट कार्ड आया है ना ही सेंट्रल लिस्ट जारी की गई है। आपको बता दें कोरोना का खतरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है, आपको सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। ऑफलाइन परीक्षा कराने की बात उन्होंने कही है, सता रहा कोरोना का डर, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 3 लाख छात्र बैठेंगे, ऐसे में छात्रों का अभिभावक कोरोना का डर सता रहा है, इसीलिए ऑफलाइन परीक्षा का विरोध सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। देखिए हमारी बात यहाँ पर रखी गई है, सोशल मीडिया का विरोध किया जा रहा है, मतलब इनका जो ऑफलाइन परीक्षा है, अभिभावकों का कहना है कि उनके छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए तो उसके परिवार के सदस्य मतलब कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसे में यदि छात्राओं के दौरान सेंटर एकत्रित होंगे तो दूसरे का मतलब खतरा भी बढ़ सकता है। छात्राओं की इस हालात में परीक्षा स्थगित करने की मांग की जा रही है, जैसा कि हमने ट्विटर कैंपेन चलाया है, तो आप लोग हमारा साथ दे रहे हो, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर मैं मेन टॉपिक की बात कर रहा हूँ, शासन के ऊपर निर्णय लेना तय है और निर्णय बहुत ही जल्द कल निर्णय आ जाएगा, अलग पेपर में आज दे रखा है। मेन टॉपिक की बात करते हैं, सोशल मीडिया पर छात्र इसका मतलब प्रचार कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग आपको बता रहे हैं कि आपको ट्यूट कैसे करना है, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये चीज देखिए, सोशल मीडिया पर अलावा जानकारी की मांग की जा रही है, हम लोग इसका मतलब बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इधर उधर विभाग ऑफलाइन परीक्षा सेंटर तय कर दिए हैं, सूची जारी लेकिन की नहीं, छात्रों के एडमिट कार्ड भी रोक रखे हैं, लेकिन अभी जो जारी कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम कराना इनका पूरा प्लान है। अब बताओ कैसे एग्जाम कराएंगे ये लोग। अब इसका निर्णय शासन के ऊपर टिका हुआ है, 16 तारीख को बैठक होगी, यानी कि कल की डेट में जो भी बैठक में होगा फैसला मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल मिला लीजिए आप लोग। सुनील कुमार सुनकर ने बताया कि परीक्षा का निर्णय शासन को लेना है, आप देखिए पेपर में भी दे रखा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो बच्चों, जो भी फैसला होगा आपके हित में होगा। हालांकि पेपर में आज के दे रखा है ऑनलाइन होंगी पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं, दोबारा से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, और आप लोग सपोर्ट करें ट्विटर पे जाके, ठीक है, तभी पॉसिबल हो पाए।